أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سامعین گرامی قدر فہم دین کورس قیامت کی نشانیاں اس حوالے سے آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے. میں نے کل آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ قیامت کی نشانیاں متعدد ہیں. علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں، علامات صغرا چھوٹی علامات اور علامات کبرا بڑی علامات. آج ہم چھوٹی علامات شروع کر رہے ہیں اور چھوٹی علامات میں سے بھی میں نے اپنے ایک ترتیب کے مطابق اللہ کی خاص توفیق سے آج صرف ان علامات کو مرتب کر کے پیش کیا ہے، کمپائل کیا ہے، جن میں قیامت کی وہ نشانیاں بتائی گئی ہیں جن کا تعلق علم، تعلیم، علماء اور مساجد کے ساتھ ہے. دین کا علم جو ہے، اسلامی کلچر ہو یا اسلامی تہذیب، اسلامی ریاست ہو یا اسلامی تمدن، ایک مسلم خاندان ہو یا پوری کی پوری مسلم سوسائٹی، اس کی تشکیل علم دین سے ہوتی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ علم دین کا حال کیا ہوگا. قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، حدیث کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، منبر و محراب کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، علم دین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، علماء کی کیا صورتحال ہوگی. اس حوالے سے سب سے پہلی نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 80 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل. قیامت کی علامات میں سے ایک یہ علامت ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت اپنے قدم جما لے گی. قرآن و سنت میں جہاں بھی العلم کا لفظ آتا ہے اس سے مراد اللہ کے کلام کا علم اور اللہ کے رسول کی باتوں کا علم ہے. کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ اس کی بڑی خوبصورت وضاحت صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث سے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه. اللہ دین کے علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ یوں سینوں سے کھینچ لے، نہیں، ولكن يقبضه بقبض العلماء.
दीन का इल्म उठ जाएगा जब उलमा दुनिया से उठ जाएंगे। हत्ता इदा लम युबकी आलिमा, यहां तक कि जब उलमा बाकी नहीं रहेंगे, इत्तखज़ अन्नास रुआसा जुहाला, तो जाहिल लोगों को आम्मतुन नास अपना बड़ा बना लेंगे। फसुइलू फअफ्तौ बिगैर इल्मिन फदल्लू वअज़ल्लू, लोग उनसे सवाल पूछेंगे, मजबूत इल्म उनके पास नहीं होगा, वो खुद भी गुमराह होंगे और गलत जवाब दे देकर लोगों को भी गुमराह करेंगे। अल्लाह अकबर। फैसलाबाद में अच्छा भला एक बज़ाहिर समझदार इंसान था, उनके बारे में हमारे शेख मोहतरम हाफिज़हुल्लाह ने हमें बताया कि उसने मसला पूछा, मैंने तलाक दी है और 80 तलाकें दी हैं, 80 दफा तलाक दे के अपनी बीवी को मैंने 80 दफा दोबारा आबाद भी किया हुआ है। उससे पूछा ये कैसे, कहता हमारा मौलवी कहता था तौबा कर लो अल्लाह माफ करेगा, बीवी को वापस ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया है जिससे एक खूबसूरत अंदाजा होता है, वो भी सही बुखारी की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन बैन यदै सअति लअय्यामन, क़यामत से पहले एक दौर ऐसा आएगा, यंज़िलु फीहल जहलू, जिसमें जहालत नाजिल होगी, जहालत उतरेगी। अब ये बड़ा जामे कॉम्प्रिहेंसिव माना खेज लफ्ज है। पहला लफ्ज था यस्बुतुल जहल, जहालत अपने कदम जमा लेगी। कहां कहां कदम जमाएगी, मिंबर पे, मेहराब पे, स्टेज पे, मस्जिद पे, माशरे में, यहां है जहालत उतरेगी। वल्लाहु आलम, महसूस यूं होता है जैसे ये जहालत उतरने का लफ्ज इतना जामे है कि आज के दौर में यूं लग रहा है जैसे आप कह रहे हो कि सेटेलाइट से और चैनल से फिर जहालत उतरेगी। ये भी हो सकता है कि काहिन लोग, गैब की खबरें बताने वाले लोग, उन पे शैतान अपनी खबरें लेके उतरे। ये लफ्जी इस तरह के उतरने के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, खुसूसन ये जो 2020 का साल आखिरी सांसों पर है, इसने तो बड़े 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 उलमा हमारी आंखों से जुदा कर दिए। ये सिर्फ इस एक साल के अंदर एक दर्जन से जायद शियूखुल हदीस, इनमें हमारे एक शेख हजरत मौलाना मुफ्ती यूनुस भट्ट रहिमहुल्लाह रहमतन वासिया जैसी हस्ती भी हैं जो आपको शायद मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे होंगे।
तो ये क़यामत की अलामत में से एक अलामत है कि दीन के इल्म को जवाल आता जाएगा और बड़े बड़े उलमा के चले जाने से वो जवाल आएगा। दूसरी निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से यूं महसूस होता है कि उलमा उठते जाएंगे, दीन का इल्म कम होता जाएगा, कुरान और सुन्नत की तालीम में खातर खा कमी आ जाएगी और उसकी जगह पर कोई चीज फैल भी रही होगी। उसके लिए जो आपने अल्फाज इस्तेमाल फरमाए मुस्नद अहमद में, वो अल्फाज कुछ इस तरह से हैं कि क़यामत की निशानियों में से है फुशुवुल कलम, कलम बहुत चलेगा, ज़ुहूरुल किताबा, किताबत लिखाई आम हो जाएगी। आगे इंशाल्लाह हम इस पर डिस्कस करते हैं कि ये क़यामत की निशानी कैसे है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आपके अहदे मुबारक में किताबत बहुत कम थी। लिखना एक ऐसा नादिर फन था कि आप यहां से अंदाजा कीजिए, गज़वा बदर के बड़े बड़े लीडर जो कैदी हुए थे, आपने उनसे कहा था कि मुसलमानों को लिखाना सिखा दो, तुम्हारी ये कीमत है, तुम लिखाना सिखाओगे हम तुम्हें आजाद कर देंगे, यही तुम्हारा फिदिया होगा। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं पूरे पूरे कबीले और पूरे पूरे महल्ले के अंदर एक कातिब होता था। हजरत अमर इब्न तगलिब फरमाते हैं कि पूरे पूरे एक बड़े खानदान के अंदर बमुश्किल एक कातिब मिलता था। वैसे तो नबी अलैहिस्सलाम ने लिखने की हौसला अफजाई की है, कुरान आपने लिखवाया है, अहादीस लिखवाई हैं, इल्म को फैलाने का बहुत बड़ा जरिया है, कलम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ने इसे अपनी नेमत के तौर पे बयान किया है। इक़्रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इक़्रा वरब्बुकल अक्रम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। लेकिन यहां आपने इसे क़यामत की निशानी क्यों बताया? क्योंकि बहुत सारी क़यामत की निशानियां, बल्कि ज्यादातर क़यामत की निशानियां वो हैं जिनका ताल्लुक बुराई के साथ है, ईमान की कमजोरी के साथ है। इस दौर के अंदर एक बात तो ये समझे कि कलम वाकईतन ही बहुत फैल गया है, किताबें बहुत फैल गई। ये अदिल बेटे इनको दिखाएं जरा, पूरे के पूरे मकतबात, पूरी की पूरी लाइब्रेरीज किस तरह से आपके पास सिमट के आई हुई है। ये मकतबा शामिला जो है एक छोटी सी लाइब्रेरी जो मेरे पास भी मौजूद है, मोबाइल में एप्लीकेशन के तौर पर भी आ जाती है, हजारों किताबें, इस्लाम 360, इजी कुरान और हदीस, कुरान एप्लीकेशन, हदीस एप्लीकेशन, दुनिया की कोई किताब आपको चाहिए आप इंटरनेट पे इसको ब्राउज करके चंद लम्हों में अपने डेस्क पे रख के मोबाइल की स्क्रीन पे उसका मुताला कर सकते हैं। इस कोर्स के हवाले से मैंने सैकड़ों किताबें डाउनलोड की क़यामत की अलामात पे, उनमें से 9-10 किताबें मैंने अपने मोबाइल के अंदर सेव की।
तो ये अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन यही अल्लाह की नेमतें इस लिहाज से क्यामत की निशानी है जब ये ना अहल लोगों के हाथ लग जाएं, और वो लोग जिन्होंने किसी आलिम से इल्म हासिल नहीं किया, उनके इल्म में पुख्तगी नहीं, खुसूसन दीन का इल्म, ये उलमा के सीनों से मिलता है। जब तक उलमा से तलक्की नहीं होती, रब्बानी उलमा, अल्लाह की खशियत वाले उलमा, सिर्फ किताबों का इल्म ऐसे ही है जैसे कोई इंसान मेडिकल साइंस की 15-20 किताबें पढ़ के कहे कि अब मैं दिल का ऑपरेशन कर सकता हूं। जिस तरह वो अनाड़ी डॉक्टर, बेशक उसके लैपटॉप में और उसके मोबाइल में मेडिकल साइंस की सारी किताबें मौजूद हों, और हम कभी भी अपने पेशेंट को उसके हवाले नहीं करेंगे कि ये मार डालेगा, वो जान का नुकसान करेगा, और सिर्फ किताबें पढ़ पढ़ के फतवा बाजियां करने वाला इंसान जिसने किसी आलिम के पास बैठ के बाकायदा सीखा नहीं, वो आपके ईमान को तबाह व बर्बाद करके रख देगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में फरमाया है, बल हुवा आयातुम बय्यिनातुम फी सुदूरिल लजीना उतुल इल्म, ये कुरान वाज़े आयात हैं उन लोगों के सीने में जिनको इल्म दिया गया है, यानी अल्लाह ने अहले इल्म के सीने का तज़किरा किया है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, मेरे चार सहाबा से कुरान सीखो, जब उलमा से इल्म हासिल नहीं किया जाएगा, हर नौजवान ये समझेगा कि इंटरनेट मौजूद है, गूगल मेरा सबसे बड़ा उस्ताद है, फलां एप्लीकेशन मौजूद है, फलां चीज मौजूद है, मुझे किसी आलिम से सीखने की जरूरत ही क्या है। तो उसका सबसे पहला नुकसान ये होगा कि उसके इल्म में पुख्तगी नहीं आएगी, दूसरा नुकसान ये होगा वो अकेला बैठ के नए नए इज्तिहादात, नई नई राहें, नई नई गलतियां और बिल्कुल अलहदा लाइनें भी निकालेगा। तीसरा नुकसान ये होगा, इल्म तो उसे मिल रहा होगा शायद, मालूमात का अंबार होगा उसके पास, लेकिन तरबियत, तज़किया, खशियत, ताल्लुक बिल्ला ये चीज नहीं होगी, जिसके नतीजे में हर बंदा मुफ्ती बना बैठा होगा और हर शख्स मुज्तहिद बना बैठा होगा और पूरे मुआशरे के अंदर इंतशार फैला होगा। आज यही काम हो रहा है और बहुत कसरत से हो रहा है, इस कदर कसरत के साथ ये काम हो रहा है। वो लोग, सच्ची बात यह है कि मुझे बाज़ दफ़ा ये बात कहते हुए नदामत महसूस होती है, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, ऐसे ऐसे लोग जो एक आलिम के सामने बैठकर अरबी की इस एक किताब का एक सफ़ा भी सही नहीं पढ़ सकते हैं, वो चंद किताबों के ढेर लगा के अवाम नास को मरूब करके नई नई गुमराहियां यूट्यूब के चैनल्स पे बैठ के फैला रहे हैं। इमाम इब्ने तैमिया की गलतियां निकाल रहे हैं और उनको बकायदा चैलेंज करके मेरे जैसे तालिब इलम दोस्तों ने उसके पास जाके कहा कि आप शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया की गलतियां निकालते हैं, वो बाद में निकालना, पहले एक लाइन पढ़ के बता तो दे उन्होंने लिखा क्या है। गलतियां तो बाद में बंदा निकालता है, जब समझे तो सही कि लिखा क्या है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लिहाज से किताबों की इशाअत को जब उलमा से, मुअल्लिमीन से, मुरब्बियों से, रब्बानी और नेक लोगों से बेनियाज होके उनको अपनी मर्जी से पढ़ा जाए, तो इस तरह कलम और किताबों की इशाअत को क़यामत की निशानी करा दिया है।
تیسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث کے الفاظ بہت خوبصورت ہوتے ہیں, بلکہ میں تو آج یہ سوچ رہا تھا یہ الفاظ پڑھتے ہوئے میرا دل چاہتا ہے کہ ایک کتاب ایسی لکھوں جس میں یہ بتایا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کو نئی ٹرمینالوجی کیسے دی ہے, نئی اصطلاحیں دی ہیں, نئے الفاظ دیے ہیں, اور یقیناً وہ عربی ڈکشنری کے اندر اضافہ ہے, یا وہ لفظ ہی اضافی ہے, نیا آپ نے عربی زبان کو دیا ہے, یا لفظ تو پہلے سے موجود تھا اس کے معنی نئے اس کو پہنا دیے. آپ نے فرمایا ان من اشراط الساعه ان يلتمس العلم عند الاصاغر, یہ تبرانی شریف کی حدیث ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ دین کے علم کو چھوٹے لوگوں سے حاصل کیا جائے گا. چھوٹے لوگ, یہ بڑا جامع لفظ ہے. اصغر کی, اصغر اس کی جمع اصاغر ہے. ویسے صحیح معنی میں اس کا ترجمہ کروں تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کا ترجمہ چھوٹے کی بجائے گھٹیا لوگ ہونا چاہیے, کہ دین کے علم کو گھٹیا لوگوں سے لوگ جب حاصل کریں تو سمجھ لینا کہ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. میرے بیٹوں اور بیٹیوں, بھائیوں اور بزرگوں, جتنے بھی سامعین ہیں یا آن لائن ہمارے ساتھ شریک ہیں, میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو. ایک ڈسپرین کی ٹیبلٹ آپ نے لینی ہو, سر درد کی دوائی لینی ہو, بہت سوچ سمجھ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اور ایمان سیکھنا ہو تو بغیر دیکھے کہ ہمیں سکھانے والا کون ہے, اس کا کردار کیسا ہے, کیریکٹر کیسا ہے, اخلاق کیسا ہے, عقیدہ کیسا ہے, نظریہ کیسا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ گھٹیا لوگوں سے علم سیکھا جائے گا, چھوٹے لوگوں سے علم سیکھا جائے گا. یہ چھوٹے لوگ کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز, وہ لوگ جنہوں نے بڑے علماء کے پاس پڑھا نہیں ہوتا. دوسری نشانی, وہ لوگ جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوتا. تیسرے, وہ لوگ جن کا عقیدہ درست نہیں ہوتا. چوتھی نشانی, چھوٹے لوگ عموماً بڑے بڑے علماء پہ لمبی لمبی زبانیں کھولتے ہیں, صحابہ تک کو معاف نہیں کرتے. جو اتنا بندہ اخلاق سے گرا ہوا ہو وہ چھوٹا انسان ہے, اس کا ظرف چھوٹا ہے, اس کا اخلاق چھوٹا ہے, اس کا علم چھوٹا ہے, اس کا دل چھوٹا ہے, وہ گھٹیا انسان ہے. صرف چھوٹی عمر اس سے مراد نہیں ہے. عمر بے شک چھوٹی ہو لیکن اس کے پاس نے بڑے علماء سے پڑھا ہو, اس کے دل میں خشیت ہو, وہ سنت پہ عمل کرتا ہو, کردار کا اچھا ہو, حدیث کا علم اس کے پاس, قرآن کا علم موجود ہو, تو وہ قدر و منزلت کے لحاظ سے بڑا ہے. اس طرح کے چھوٹے لوگوں میں سے بہت سارے لوگ, وہ لوگ جو کسی مسجد کے اگر امام بنے تو شاید 100 لوگ بھی ان کو امامت پہ رکھنے کے لیے تیار نہ ہو, اور ان کو اپنی 2 رکعت کا امام نہ بنائے, سکرین کے پردے کے پیچھے چھپ کے وہ اخلاق اور کردار اور علم کے گرے ہوئے لوگ جو صحابہ تک اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں, ایک یوٹیوب کے چینل کے ذریعے لاکھوں لوگ اس سے علم حاصل کر رہے ہیں, یہ قیامت کی نشانی ہے. لاکھوں میں اس کے ویورز ہیں, اس کے فالوورز ہیں, اس کو سننے والے ہیں, اور ایک نہیں ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں, سینکڑوں مثالیں موجود. تو آئیے میرے بھائیوں, قیامت کی اس نشانی کو اچھی طرح سے سمجھیے. آگے چلتے ہیں,
इंशाल्लाह किसी वक्त मैं आपको प्रैक्टिकली ऐसे लोग चंद देख उनकी निशानदेही भी करूंगा, यूट्यूब चैनल्स को बकायदा ऑन करके आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह की बातें की जा रही हैं और लोग किस अंदाज से गुमराह हो रहे हैं। चौथी निशानी आपने ये बयान की, आज का ज्यादातर हमारा मौजू इल्म और तालीम के हवाले से क्यामत की निशानियां। आप अलैहिस्सलाम ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, ये लफ्ज इस काबिल है कि पूरी अरबी जुबान की डिक्शनरी में मैं समझता हूं जिस माना में अल्लाह के पैगंबर ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, खुद अरब लोग भी आपके इस्तेमाल से पहले इस लफ्ज को नहीं जानते थे। वही मैं आपको कल बता रहा था ना कि आप अफसल अरब हैं और आप अल्लाह के पैगंबर की हदीस के साथ ये ज्यादती करते हैं कि आप कहते हैं एक लफ्ज हदीस में जो आया है उसका ये मतलब नहीं, अपनी तरफ से उसके मतलब गढ़ लेते हैं, उसकी तवीलें शुरू कर देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इशाद फरमाया, इस हदीस को बहुत ही तवज्जो से सुने, मुस्तदरक हाकिम की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु इसको बयान करने वाले हैं। जनाब अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ब्ल अस्सा सिनून खद्दा, क़यामत से पहले चंद साल ऐसे होंगे जिसमें धोखा अपने उरूज पर होगा, युसद्दक फीहल काज़िब, झूठों को सच्चा कहा जाएगा, और युकज़्ज़ब फीहस सादिक, सच्चों को झूठा कहा जाएगा, और युख़व्वन फीहल अमीन, ईमानदारों को करप्ट और खाइन कहा जाएगा, और युक्तमन फीहल खाइन, और करप्ट और खाइन लोगों को बड़ा ईमानदार पावर करवाया जाएगा, वयंतिक फीहर रुवैबिज़ा, और रुवैबिज़ा बहुत बोलेगा, रुवैबिज़ा बहुत बोलेगा। साहबा ने पूछा ये रुवैबिज़ा क्या होता है? यहां फिर इस नुक्ते पे गौर करें, कैसा लफ्ज आपने बोला कि सामने सहाबा बैठे हैं, अरब बैठे हैं, उनकी मादरी जुबान अरबी है, वो भी पूछ रहे हैं रुवैबिज़ा क्या है। आपने फरमाया रुवैबिज़ा बहुत बोलेगा। रुवैबिज़ा का लफ्ज सबने याद कर लेना है, अल्लाह के नबी ने यह इस्तलाह बताई है ना, रुवैबिज़ा बहुत बोलेगा। साहबा ने पूछा रुवैबिज़ा क्या होता है? फरमाया अल अम्र अल मर्उ दाफ़े यतकल्लमु फी अम्रिल आम, बिल्कुल घटिया और फजूल इंसान अहम अहम मामलात पे बातें करेगा, इसको रुवैबिज़ा कहते हैं। यहां भी ये बात समझने वाली है, बाज़ रिवायात में ये वजाहत आती है कि रुवैबिज़ा से मुराद शारहीन हदीस ने लिखा अल आजिज, बिल्कुल पस्त हिम्मत, जो बड़े बड़े काम ना कर सकता हो वो बोलेगा। एक माना लिखा मल्ला युबहु लहू, आम तौर पे उसकी कोई माशरे में कदर कीमत ना हो लेकिन वो बोलेगा वो। एक और रिवायत में ये वजाहत आई अल्फुवैसिक, अल्लाह का नाफरमान होगा, किरदार का कमजोर होगा लेकिन बोलेगा। तो समझ लेना ये क्यामत की निशानी है। रुवैबिज़ा की खुलासा मैंने लिखा है, ये जरा आप गौर से इसको देखें, यानी ये पांच चीजें होना तो रुवैबिज़ा बनता है। हिम्मत कमजोर, फितरत उसकी पस्त, जिसको आप कमीना सिफत भी कह सकते हैं, कम अकल दीनी और शरी लिहाज से, और किरदार का भी कमजोर लेकिन बातों में तेज। ये ढूंढना अपने खुद है कि ये रुवैबिज़ा कौन है। जो मैंने ढूंढा है या मेरे जहन ने जो काम किया है क्यामत की इस निशानी के हवाले से,
इसमें भी YouTube पे बोलने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, Facebook के बड़बोले भी बहुत सारे इसमें आते हैं। मिंबरों मेहराब पे खड़े होके मिंबर के तकद्दस को पमाल करके वहां बैठ के मस्जिद के अंदर गलीज जुबान इस्तेमाल करने वाले भी बहुत सारे लोग इसमें आते हैं। ये सब प्रोबेबजा है। आपने इनके बोलने को क्यामत की निशानी करा दिया है, और बोलने में इतने तेज कि कोई उनका मुकाबला ना कर सके। बस उनको सिर्फ बोलना ही आता है और उनके पास कुछ नहीं है। मेरा दिल तो नहीं चाहता कि मैं किसी का नाम लूं, लेकिन बाज लोगों ने जख्म इतने पहुंचाए होते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। इन रुवेबजा में से एक बहुत बड़ा एंकर पर्सन है जिसने पैगंबर की बीवियों मोमिनों की माओं को भी माफ नहीं किया था। वैसे वो रमजान के टॉक शोज करवाता है, उलमा को लड़वाता है बिठा के, एक तरफ देवबंदी, एक तरफ बरेलवी, एक तरफ किसी को बिठा के तो बड़ी बहसें करवाते हैं, अंदर हिस्सा भी लेता है। और उसने ये गलीज जुबान तक इस्तेमाल की हुई है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम जब वफात पा गए तो बेटियां देने वाले अबू बकर उमर कहां गए। रुवेबजा, रुवेबजा आगे बढ़िए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे खुसूसी फोकस किया है। क्यामत की अलामत में से पांचवी अलामत, ये अहादीस की रोशनी में मैंने आपके सामने लिखी है कि क्यामत की यह निशानी है कि बातें बहुत होंगी, अमल नहीं होगा। गुफ्तार के लोग गाजी होंगे लेकिन किरदार से आरी और खाली होंगे। छठी निशानी आपने ये बयान की कि लोग जुबान चलाएंगे और चलाएंगे सिर्फ कमाई के लिए। उनकी जुबानें बहुत चलेंगी लेकिन मकसद सिर्फ कमाई होगा। मुस्तद अहमद की इस हदीस के अल्फाज पे तो आज मैं सर पकड़ के बैठा रहा है। क्या अल्लाह, क्या हिकमत है हदीसों के अंदर, क्या खूबसूरत अल्फाज हैं, और कैसा चुपता हुआ तबसरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तखरुजू ला तकूमु साअ, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ये सूरत हाल ना हो जाए। या खुरुजा कौमुन, कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे, या कुलून भी अलसिनतिहिम, जो सिर्फ अपनी जुबानों की कमाई खाएंगे। और खाएंगे भी कैसे, कमा तकुल बकरत भी अलसिनतिहा, जैसे गाय खाती है, जैसे गाय चरती है, ऐसे वो अपनी जुबानों पे कमाई करेंगे, जुबानों की कमाई करेंगे। अब आप खुद ढूंढें कि इसमें कौन कौन से और किस तरह के लोग आते हैं। सातवीं अलामत, दीन का इल्म भी लोग दुनिया की खातिर हासिल करेंगे। एक तो है ना दुनिया का इल्म, इंजीनियरिंग है, बाकी प्रोफेशंस हैं, तो वो तो वाज़े है, उस वो तो दुनिया के लिए दुनिया का इल्म हासिल किया जाता है। लेकिन ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो दीन के रूप में दुनिया कमाएंगे, दीन के तालिबे इल्म बनेंगे लेकिन मकसद दुनिया हो। और आपने ऐसी वईद बताई कि जो शख्स भी दीन के इल्म के जरिए दुनिया कमाना चाहता है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा।
अल्लाह ताला मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। आठवीं निशानी, जब लोग इस तरह से कुरान के काबिल लोग नहीं रहेंगे, दीन के इल्म पे जवाल आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, किरदार में कमजोरी आती जाएगी, तो एक ऐसा वक्त भी आएगा कि अल्लाह अपने कलाम को दुनिया से वापस ले जाएगा। कुरान मजीद बाकी नहीं रहेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, लयुस्रायन्ना अलल कुरानी ज़ाद लैला, एक रात कुरान पे ऐसी आएगी ना ही मुसहफ में कोई आयत लिखी रह जाएगी और ना किसी के दिल में कोई आयत बाकी रहेगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, अक्सिरु तिलावतल कुरान क़ब्ल अन युरफ़ा, कुरान पढ़ लो कुरान पढ़ लो इससे पहले कि इसको उठा लिया जाए। लोगों ने कहा यह बात तो समझ में आती है कि जो मुसहफ लिखा हुआ है इसको उठा लिया जाए, तो जो सीनों में है वो कैसे उठाया जाएगा। फमा युस्रा अलैहि लैलन फयुस्बिहून मिन्हु फुकरा, रातों रात ही अल्लाह उनके सीनों से आयात को भुला देगा। वयंसून कौल ला इलाहा इल्लल्लाह, हत्ता के ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा भी भूल जाएंगे। वयकऊन फी कौलिल जाहिलियति वशआरिहिम, जाहिली लिटरेचर उनके पास होगा, पोएट्री होगी, पोइम्स होंगी, शायरी होगी। इसको अगर आज के दौर पे अप्लाई करें, नावल्स होंगे, स्टोरीज होंगी, सब कुछ होगा। जनाब अब्दुल्लाह ने मसूद ने फरमाया यही वो वक्त होगा कि जब जानवर भी नमूदार हो जाएगा इस सबसे आखिर में, और अंदाजा ये होता है कि ये उस वक्त होगा जब बस क़यामत शुरू होने वाली होगी। मस्जिद की क्या सूरत हाल होगी, क़यामत की अलामात में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया है कि क़यामत से पहले मस्जिदों का हाल क्या होगा। मैं ये सोचता था कि शायद ये होगा कि मस्जिदें नहीं बनेंगी, लेकिन ये नहीं। मस्जिद बनाना तो बड़ी शान का काम है, जो शख्स मस्जिद बनाता है उस जैसा अल्लाह उसका घर जन्नत में बना देता है। मैं बचपन में ये समझता था कि उस जैसे का क्या मतलब हुआ कि पांच मरले की मस्जिद है तो पांच मरले का, दस मरले की मस्जिद है तो दस मरले का। शारहीन हदीस ने लिखा कि नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। जिस तरह पूरे राजवाल में मस्जिद दारुल हदीस की शान है, मस्जिद अलहुदा की शान है, या मस्जिद तैबा की, या मस्जिद उस्मान की शान है, जिसने ये मस्जिद बनाई है जन्नत में बाकी घरों के मुकाबले में, उसके घर की भी यही शान है। लेकिन क़यामत से पहले क्या होगा, मस्जिदें लोग बनाएंगे, खूब बनाएंगे, खूब बनाएंगे, इस हद तक बनाएंगे कि उनमें फजूल खर्ची करेंगे।
नक्शो निगार डिजाइनिंग खूबसूरती, वैसे खूबसूरत होनी चाहिए मस्जिद। उलमा ने लिखा है कि उस महल्ले के घरों का जो लेवल है अल्लाह का घर, उससे प्यारा होना चाहिए, उससे बेहतर होना चाहिए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तकूमु सआ हत्ता यतबाहन नास फिल मसाजिद, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक ये हाल नहीं हो जाएगा कि लोग मस्जिद बनाने में एक दूसरे पर फख्र करेंगे। एक और रिवायत में है, मिन अशरात इस्सा, ये क़यामत की अलामत में से है कि लोग मस्जिदें बनाने में फख्र करेंगे। जनाबे अबू दरदा फरमाया करते थे, इजाज वक्त तुम मसाजिदकुम, जब तुम्हारा ये हाल हो जाए कि अपने मस्जिद के नक्शो निगार और उसकी मलम्मा साजी पे तुम बहुत ज़्यादा तवज्जो करने लग जाओ और अपने कुरान को भी खूबसूरत मुजयन करके ऊपर सोने के पानी चढ़ाने लग जाओ, तो समझ लेना कि तुम्हारी तबाही का वक्त करीब आ गया है। ये कब होता है? मस्जिदें तो बहुत हैं, खूबसूरती भी एक से बढ़ के एक है, लेकिन अब्बा जी रहमतुल्लाह ताला वालदे गिरामी याद आ रहे हैं, फरमाया करते थे कि मस्जिदें कच्ची होती थीं, नमाजी पक्के होते थे। अब मस्जिदें पक्की हैं और नमाजी बड़े कच्चे हैं। बाज़ रिवायात में तो यहां तक आता है कि पूरी पूरी मस्जिद में कामिल सच्चे ईमान वाला शख्स एक भी नहीं होगा। तो मस्जिद को भी लोग अपनी दौलत की नुमाइश का जरिया बनाएंगे, या बाज़ दफा अपने मफादात का जरिया बनाएंगे, या फजूल खर्ची करेंगे, या ये है कि जो मस्जिद का असल मकसद है उसकी तरफ तवज्जो कम होगी और मस्जिद की बिल्डिंग टाइलें इस पे तवज्जो ज्यादा होगी। गुज़श्ता दिनों हमारे एक फाजिल दोस्त बता रहे थे कि एक जगह उनका बयान था, बहुत आलीशान मीनार, पूछा कितना खर्चा हुआ है, कहने लगे तकरीबन कोई 30-35 लाख खर्च मीनार पे हो गया है, बाद दफा 50-50 लाख और बाद दफा करोड़ करोड़ तक और इससे भी ऊपर मीनार पे खर्च करते हैं। और उस मस्जिद के अंदर जो तालीम देने वाले कारी साहब हैं उसकी तनख्वाह 10,000। मस्जिद को याद रखिए, हमेशा आलिम आबाद करता है, दुनियादार लोग आबाद नहीं कर सकते, उलमा आबाद करते हैं। मस्जिद खुद बोलती नहीं है, मस्जिद खुद कुरान पढ़ाती नहीं है, मस्जिद कुरान समझाती नहीं है। और मैं आपके साथ ये दुख शेयर करना चाहूंगा कि बिलखुसूस हमारी मस्जिद का हाल बहुत पतला है, बहुत नाजुक है। सच्ची बात तो यह है, जितना दीन का काम पब्लिक लेवल पे इस मस्जिद में होना चाहिए, सही माना में हमसे वो भी नहीं हो रहा। बहुत दिल जाता है, बहुत ज्यादा काम हो सकता है, बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन हमें यहां मजबूरी होती है बच्चों की। अब दुआ कीजिए इंशाअल्लाह ताला, मेरा दिल है कि अल्लाह ताला हमें एक बड़ा सारा इसी तरह का कोई हॉल दे, तो वहां सारा साल ही पब्लिक की तरबियत का कोई ना कोई प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। तो क़यामत की निशानियों में से ये निशानी है कि मस्जिद के जाहिर पर तवज्जो दी जाए, लेकिन उसकी मानवियात, उसकी आबादकारी, उसमें तालीम, कुरान का तर्जमा, तर्जमा क्लासेस, नमाज के मानी और मफाहीम, इस पे कोई तवज्जो नहीं होगी। हत्ता के
इस हद तक ये सिलसिला बड़ा हुआ है कि एक जगह ओकाड़ा मेरा माहाना दरसे कुरान अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से होता है, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा ले। हमारे बड़े प्यारे दोस्त थे वहाँ डॉक्टर अब्दुल्ला खालिद, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, रोजे की हालत में अल्लाह के पास गए थे, दरसे कुरान के लिए जा रहे थे प्रोग्राम के लिए। सर्जन डॉक्टर थे, साथ दीन का काम भी करते थे। तो उन्होंने मस्जिद की तामीरें नौ करनी थी, फंडिंग के लिए एक साहिब से महल्लेदार से रब्ता किया, बल्कि उसने खुद पैगाम दिया कि मेरे पास भी डॉक्टर साहब तशरीफ लाएं, मैं भी मस्जिद में हिस्सा डालना चाहता हूं। तो डॉक्टर साहब उनसे मिले, कहने लगा कि मैं मस्जिद के लिए 1 करोड़ रुपया देना चाहता हूं। ये आज से कोई 12 साल पहले की बात है तकरीबन। डॉक्टर साहब बड़े अजीम इंसान थे, कहने लगे आपको तो मैंने कभी मस्जिद में देखा ही नहीं, मुझे तो आज पता चला है कि आप जैसे लोग भी इतने अच्छे रहते हैं, इतना अच्छा जज्बा रखते हैं इस मोहल्ले में, मस्जिद में तो आप कभी आए नहीं, तो आपका फंड हम लेते हैं लेकिन आपसे दरखास्त है कि आप नमाज तो पढ़ा करें। कहने लगा 1 करोड़ रुपया आप ले लें लेकिन नमाज मैंने को नहीं पढ़नी। डॉक्टर साहब ने कहा फिर आपके 1 करोड़ में बरकत नहीं होगी, हम नहीं लेते। ये है मसाजिद के साथ क़यामत से पहले लोगों का ताल्लुक। मैंने रमजान में इतना फंड दिया था, अब नमाज की क्या जरूरत है? मैंने फलां काम जो मस्जिद का करवा दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबाए किराम ने अहादीस व आसार में मसाजिद की सिर्फ जाहिरी ज़ेब व ज़ीनत के ऊपर सारी तवज्जो और उसकी आबादकारी से गफलत, इसे क़यामत की निशानी करार दिया है। अगर क़यामत की इस निशानी को देखना हो तो आपको दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके जिले में, आपके लाहौर शहर में, आपके कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में भी बहुत सारी निशानियां ऐसी आपको नजर आ जाएंगी। 1 करोड़ में फैली हुई मस्जिदें और वीरान, उनकी इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, स्ट्रक्चर, टाइलें, खूबसूरती और कालीन, कारपेट देखें तो आप अश अश कर उठें, और जमात खड़ी हो तो आपको खाल खाल ही कोई नमाजी नजर आए। और अब तो बदकिस्मती से हमें वो दिन भी देखने पड़े कि एक अजीम शान तारीखी मस्जिद के अंदर बाकायदा शूटिंग की गई। बारहवीं निशानी इल्म और इल्म दीन के हवाले से, क्यामत के करीब वाज़ो नसीहत करने वाले और तकरीरें करने वाले लोग बहुत ज्यादा होंगे। दीन को समझने वाले, बसीरत रखने वाले थोड़े होंगे। जनाब अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, कुरान के कारी हैं, अंतुम फी ज़मानिन, ऐ मेरे नबी के साथियों तुम ऐसे दौर में जी रहे हो, क़लीलुन खुतबाउहू कसीरुन फुकहाउहू, के तकरीरें करने वाले कम हैं, दीन के अंदर गहरी बसीरत रखने वाले लोग ज्यादा हैं, मांगने वाले थोड़े हैं, देने वाले ज्यादा हैं। फिर फरमाया एक ऐसा वक्त आएगा तकरीरें करने वाले
बहुत होंगे, दीन को समझने वाले थोड़े होंगे, मांगने वाले ज़्यादा होंगे, देने वाले थोड़े होंगे। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस दौर के अंदर जो खतीब या वाइज है उसको कस्सास कहा जाता था। अल-कस्सासु थलासतुन, वाज़ो नसीहत का शौक रखने वाले सिर्फ तीन किस्म के लोग होते हैं। अमीरुन, या वो शख्स जिसकी जिम्मेदारी हो, या फिर वो शख्स मुख्तालुन जो अपने आप को बड़ा समझता हो। और अफसोस के साथ ये चीज हमारे दौर में 100% पूरी होती दिखाई दे रही है। पहली क्लास से बच्चे भाग जाते हैं, जाके खतीब बन जाते हैं। दूसरी क्लास से भाग जाते हैं, चंद एक तकरीरों को रट्टा लगा के खतीब बन जाते हैं। और ये वाज़ो नसीहत की एक नई किस्म भी, खुदरो किस्म की, वो भी माशरे में पैदा हुई हुई है। उनको हम मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं, जो बार बार फेल हो गया हो वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है, जिसको कोई जॉब ना मिली हो वो मोटिवेशनल स्पीकर होता है, जिसे कोई अपने पास रखने के लिए तैयार ना हो वो मोटिवेशनल स्पीकर होता है। चंद एक अच्छे साले बासलाहियत लोगों को छोड़ के, जिनमें हमारे प्यारे भाई शेख आतिफ साहब और इस जैसे लोग हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बरकत दे, चंद एक लोगों को छोड़ के अल्लाह उनको बहुत बरकतें दे, बहुत इज्जतें दे, वो दीन का बहुत काम करें। अक्सर लोग इस फील्ड के अंदर भी बस वही हैं जिनको कुछ ना कुछ बोलने का शौक सताता रहता है। और ये जो बोलने की आदत है इस दौर के अंदर इतनी डिवेलप हो गई हुई है कि बाज दफा कुछ बातें तो करते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने कल एक मजमून लिखा, अल्लाह का फजल है मैं तो टिकटॉक वगैरह से अल्लाह ने मुझे बचाया हुआ है। वो बड़ा दर्द दिल सुना रहे थे उस मजमून के अंदर, कहने लगे कि मैं टिकटॉक के ऊपर क्लिप्स और लोगों की रिकॉर्डिंग्स देख के हैरान हूं कि 80-80 साल के बूढ़े भी बेशर्मों और बेहया हो गए। 70-70 साल की बूढ़ी औरतें भी बेशर्मी और बेहयाई के ऊपर उतर आई हैं, और वो भी कुछ ना कुछ एक्टिंग करके और कुछ बोल के, बस अपने रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में। वही निशानी जो पीछे आपने पढ़ी है कि लोग जुबान की कमाई खाना चाहेंगे, ऐसे जैसे गाय चरती है। ला इलाहा इल्लल्लाह। आज की हमारी गुफ्तगू के हवाले से आखिरी निशानी दो हदीसों को जमा करके मैं आपके सामने पेश करता हूं। अच्छे अच्छे लोग चले जाएंगे और पीछे क्या रह जाएगा? नबी अलैहिस्सलाम ने उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसका अगर हम ज्यादा महज़ब तर्जमा भी करें तो वो बनता है कूड़ा करकट। पीछे रह जाएगा कूड़ा करकट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और हदीस में पूरी मंजर कशी की गई, ऐसे कहा अब्दुल्ला
अब्दुल्लाह तेरा क्या हाल होगा जब तू कूड़ा करकट जैसे लोगों में फंस जाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने एक और हदीस में इसकी मजीद वजाहत की, वो किस लिहाज से कूड़ा करकट होंगे। मुझे याद पड़ता है कि वालदे गिरामी रहिमहुल्लाह इसका तर्जमा पंजाबी में किया करते थे, छान बुरा कहते हैं उसको जी, छान बुरा, कि जो अच्छी अच्छी काम की चीज है वो बंदा अलहदा कर ले और पीछे बस फेंकने वाली रह जाए, ऐसे लोग रह जाएंगे। और आपने यूं किया अपने हाथों को, फरमाया قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا, तीन उनकी निशानियां होंगी, कोई वादे का ख्याल नहीं होगा, कोई अमानतदारी का लपास नहीं होगा, और उनका आपस में इख्तलाफ भी बहुत होगा। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान जो राजदाने रसूल हैं वो इस हदीस के रावी हैं, और बहुत लंबी हदीस है, वक्त की कमी के बायस मैं महल्ले इस्तिशार पेश करता हूं। आपने फरमाया कि दौर बदलते रहेंगे, फिर एक ऐसे बुरे माहौल में लोग पहुंच जाएंगे, दुआतुन इला अबवाबी जहन्नम, कुछ लोग तो जहन्नम के दरवाजों की तरफ बकायदा बुलाने लग जाएंगे, जो भी उनका बात उनकी बात मान लेगा, काजफूहु फीहा, वो उसको जहन्नम में फेंक के छोड़ेंगे। हजरत उज़ैफा कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम थोड़ी सी वजाहत करते हैं, उनकी सिफतें आदतें उनकी कोई स्पेसिफिकेशन बता दें, कैसे होंगे वो लोग। आपने कुछ नहीं बताया, कहा हमारे जैसे ही होंगे, यानी शक्लो सूरत में देखने में आम इंसान ही होंगे, जुबान भी हमारे जैसे ही बोलेंगे, लेकिन वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाले होंगे। और अब तो जहन्नम की तरफ बुलाने वाले बहुत बढ़ गए और बहुत ज्यादा बढ़ गए। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये सिलसिला जारी है। अल्लाह ने मेरे दिल में एक बिल्कुल नई बात डाली थी, क़यामत की निशानियां उमूमन जितने भी मुसन्निफीन ने जमा की हैं, किसी ने सिंक्रोनिकली तारीखी तरतीब से जमा की हैं, किसी ने छोटी बड़ी के हिसाब से जमा की हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आपके सामने क़यामत की जो छोटी अलामात हैं, ये सारी अलामात पूरी हो चुकी है, इनको अलामात सुगरा भी कहते हैं, और सुगरा कुछ वो होती है जो खत्म होगी पूरी होके, कुछ वो हैं जो जारी है, और जो जारी है उनमें से कुछ वो हैं जो तेजी उनमें मजीद आती जाएगी। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं अलामात इसी हवाले से कल भी डिस्कस करूंगा कि माशी लिहाज से क्या अलामतें हैं, मुआशरती खानदानी लिहाज से, तल्लुकात के लिहाज से क्या अलामतें हैं, इस अंदाज से जो मुख्तलिफ मैदानों में आपने अलामतें बताई हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। अल्लाह ताला हमें क़यामत की सख्तियों से महफूज फरमाए, जो क़यामत की ऐसी अलामात हैं जिसमें बदकिरदारी को और वादा शिकनी को नुमाया किया गया है, उन अलामात से हमें महफूज फरमाए, फितनों से महफूज फरमाए। आप खुद भी तशरीफ़ लाते रहें, आप को भी दावत दें, कफारे मजलिस की दुआ पढ़ लें, सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु।